परिसर में 71वें एनसीसी डे के उपलक्ष्य में 33 एमपीबी एनसी बटालियन कैडेट के कोर के द्वारा सामाजिक व्यक्ति के सहयोग से निजी अस्पताल के साथ मिलकर रक्तदान महादान जीवन उद्देश्य के तहत विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 33 एमपीबी बटालियन के अधिकारी, आईटीआई के छात्रों ने, एनसीसी कैडेट के अन्य लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और रक्तदान जीवन दान के महत्व को समझाते हुए जरूरतमंद और थैलेसीमिया के ग्रस्त मरीजों को समय पर रक्त मिल सके इसके लिए रक्तदान किया। इस अवसर पर मौजूद एमपीबी अटल के अधिकारियों ने रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए स्वयं भी रक्तदान किया और सभी के इसके करने से होने वाले महत्व समझाते हुए हौसला बढ़ा, अन्य लोगों को भी रक्तदान करने प्रेरित किया, जहां बड़ी संख्या में सुदेश के पवित्र भाव के महत्व को समझाते हुए शिविर में मौजूद लोगों ने रक्तदान करने का संकल्प लेते हुए मौके पर रक्तदान किया। साथ ही ज्यादा लोक संख्या रक्तदान करने के प्रति लोगों में जागृति लाई जा सके। डॉक्टर ऋषभ जैन सर, ये जो भाग्योदय में अभी यूनिट का काम यहाँ पे आईटीआई के तहत हुआ है, इसमें कई बार पहले भी हुए हैं, ये कहाँ पे आपका जो यूनिट होता है कहाँ पे दिया जाता है? ये ब्लड बैंक है, भाग्योदय चीफ ब्लड बैंक, उसमें हम लोग जमा करते हैं। लेकिन अधिकतर देखा जाए कि जब भी भाग्योदय में कोई बीमार उसको यूनिट की जरूरत पड़ती है तो दिया नहीं जाता है, ऐसा क्यों? उसमें हम एक्सचेंज में देते हैं, और यदि कोई लेडी व्यक्ति है जिसका कोई नहीं है उसको हम दे देते तुरंत। लेकिन भाग्योदय में तो जब भी अपन जानकारी लेना चाहें वहाँ पे यूनिट रहता ही नहीं रहता है। तो अभी कितना मात्रा में यहाँ से जाना है और कब तक यहाँ पे यूनिट किया जाएगा? यहाँ तो वैसे जो हम देते हैं, यदि डोनर साल में नहीं रहता तो हम देते हैं इमरजेंसी में, डॉक्टर से बोल देते हैं। अच्छा, आपको जानकारी रहती है कि कौन से ग्रुप का कौन सा? हाँ, जानकारी हम लोग है। आज 71वें एनसीसी डे सेलिब्रेशन के दौरान 33 एमपी बटालियन एनसीसी द्वारा एक रक्तदान बहुत बड़ा एक कैंप आयोजन किया गया। इसके दौरान कई सारे एनसीसी आईटीआई के बच्चे, लड़के लड़कियां, बहुत सारे स्टाफ, आईटीआई के स्टाफ, इन सब ने रक्तदान किया, हमने भी किया। रक्तदान महादान ऐसा समझ के किया, और ये देश में इस तरह की चीज़ें और कई ज़्यादा मात्रा में होनी चाहिए ऐसा हम उम्मीद रखते हैं। ये रक्तदान जो किया गया है ये किस हॉस्पिटल में जाएगा, किस पे एडमिट किया है? ये रक्तदान जो किया गया है भाग्योदय हॉस्पिटल में।